राइट में चंदा जी इस तरह राइट में सिंगल सिंगल पिक्चर अरे भाई सर इधर देखिए सेंटर सर आपको लेफ्ट जय हो जय हो मैम सोलो दीजिए मैडम यो मैम यो कुछ नया देखने को मिला तो ये बताएं कि कैसे शुरुआत हुई है कैसे तय हो रहा है ये फेस्टिवल मेरे को मेरे पास आर्यन स्क्रिप्ट लेके आए और जैसे आपने अभी प्रोमो देखा फ्रेशनेस थी रोज ही वही चीज़ चल रही है रोज ही एक डिस्को में गाना कर रहा है वही कपड़े मनीष मल्होत्रा के वही सारी चीज़ें उससे कुछ अलग नहीं हो रहा तो मेरे को एक चीज़ ऐसी फिल्म बनानी थी जो एक तो जैसे मैंने अभी बोला कि दोस्तों के दोस्त हम वो एक दोस्ती के ऊपर एक अच्छी सी ऑनेस्ट फिल्म बनानी थी जो ये फिल्म ने मेरे को दिखी जो कहानी में दिखी और वही मैंने किया शायद इसलिए आपको टाइम लगा कि जिला गाजियाबाद जिला गाजियाबाद लास्ट ईयर फरवरी में थी अभी ये 7 महीने लग गए हैं मुझे एक साल तो लगते ही है अखिल का अजय देवगन संजय दत्त जैसे जो थे ना आज से 20 साल पहले वो लेवल का एक्टर है आप देखेंगे ना उसको अभी जैसे प्रोमो भी देखा वो इंटेंसिटी नज़र आती है कम बोलेगा और बस सीधा और जय भानुशाली एक ऐसा बेहतरीन एक्टर है जो मेरे को खुद ऐसे आइडिया नहीं था जब मैं कास्ट कर रहा था इतना आइडिया नहीं था बट जैसे जैसे मैं काम करने लगा वो तो पूरा मंझा हुआ ही कलाकार है क्योंकि टीवी के सीरियल तो वो तो मैंने कोई भी देखा नहीं होता वाइब्रेशन की एक बंदा पॉजिटिव बंदा पूरा घुस के काम करता है और वो बड़ा एक्टर बनेगा बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने वाले को इतना इंटरेस्टिंग सॉन्ग है और मज़ा आएगा आपने सोच लिया है क्या कि फिल्म में एक आइटम सॉन्ग फील है उस पिक्चर की एक फील है एक बात है और एक एक जश्न है तो बस उसकी सी बात थैंक यू बाय एक्सलेंट सर विक सेंटर या जस्ट सेंटर लोग मैन ड्राइवर सर रोलिंग रोलिंग क्या कह रहे हैं मैं इस वक्त अपने किरदार के गेटअप में सो इस तरह का लुक है वेरी इंडियन वेरी बबली वेरी स्वीट वेरी हैप्पी तो आप लोग जब पिक्चर देखेंगे आप लोगों को और पता चलेगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वर्किंग विद द डायरेक्टर वर्किंग विद जय वर्किंग विद अखिल हु इज डेब्यूइंग वर्किंग विद टिया एंड स्पेशली अन्ना इज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस और सबका बहुत मज़ा आया सबने बहुत सेट पे दूसरे को हंसाया प्रैंक्स किए सो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस दूसरी फिल्म में आपकी तो क्या होप करती है खासकर ऑडियंस से
बहुत ही अलग कैरेक्टर है, बहुत ही अलग लुक है फ्रॉम औरंगजेब जो मेरी डेब्यू फिल्म थी, तो आप लोगों को बहुत ही एक अलग अवतार में मैं देखूंगी। सो आई होप यू ऑल लाइक। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, एक्साइटमेंट इस चीज़ का है कि जय हो के बाद सेम ईयर इसी साल में दूसरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, और ये फिल्म है मेरे दोस्त आनंद कुमार की देसी कट्टे। पहली बार भी जैसे उन्होंने मुझे रोल सुनाया था, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, और उसकी वजह ये थी क्योंकि मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, लखनऊ शहर में जन्म हुआ है संतोष शुक्ला का, और इस फिल्म में किरदार को मैं निभा रहा हूँ यूपी के कानपुर के बहुत बड़े गैंगस्टर थे बबलू चौधरी, उसका किरदार निभा रहा हूँ। और बहुत अलग है जयगो से, टोटली डिफरेंट फ्रॉम जयगो। जयगो में एक जर्नी था, एक आदमी नेगेटिव फिर वो लास्ट में पॉजिटिव हो जाता है, इसमें आउट एंड आउट यू विल गेट आउट एंड यू विल फाइंड आउट एंड आउट है। और इस फिल्म का एक डायलॉग है जो काफ़ी चर्चित होने वाला है, मैं आपको वो लाइन कुछ इस तरीके से है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो बेटा आज तो बहुत चौधरी, ये लाइन जो है वो बड़ी अच्छी है, बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत शानदार तरीके से इसको पिक्चराइज किया गया है। जय और अखिल का डेब्यू है, अन्ना इसमें अन्ना के साथ दूसरी फिल्म है, अन्ना जयगो में भी थे सेंटर लोग सर, और ये भी एक खुशकिस्मति है कि अन्ना के साथ दोबारा दूसरी फिल्म में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ के बारे में आपने पूछा नहीं मुझसे, मैं खुद भी बता देता हूँ कि मेरा लुक चेंज हो गया है, बाल छोटे हो गए हैं जैसे कि आपको दिख रहा है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है द वन एंड ओनली माई एल्डर ब्रदर माई मेंटर माई फैमिली सलमान खान को। ये लुक मेरा सलमान खान की आने वाली अगली पिक्चर के लिए है, उस पिक्चर का नाम और कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी नहीं दे सकता, थोड़ा भी नहीं बता सकता हूँ, और इतना 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 भी नहीं बता सकता हूँ। नहीं नहीं शेर खान क्या है, और शेर खान फिल्म है शेर खान। ये बाल अभी कुछ एक हफ्ते पहले सलमान भाई ने कटवा दिए मेरे, मैं गैलेक्सी में गया था उनसे मिलने, और ही गॉट एक्चुअली पिस्ड ऑफ, बहुत नाराज़ हो गए कि तुम्हारे ये जो बाल हैं ये बहुत लंबे और तुम जय हो से निकले हो, तुम्हें लिख के कारी है और तुम जय हो में ही अटके हुए हो। मैंने भाई इतना ज़बरदस्त रोल आपने दिया, और उस रोल में इतना मैं अंदर इन्वॉल्व हो गया कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग अ सुपर रिकॉग्निशन। मैं जिधर भी जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं अभी जय हो माने बुला अपने भाई को, यार कॉलर पकड़ ली यार, और वो पूरा हंगामा। तो उस हंगामे से मैं इतना ज़्यादा जो है वो खुश हूँ कि मैं लुक नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, बट फोर्सफुली उन्होंने जो है वो लुक चेंज करवाया। ही पर्सनली कॉल्ड आलिम के वहाँ इमरान को कि संतोष शुक्ला को भेज रहा हूँ, इसके बाल छोटे कर टकला करना है, टकला कर दे लुक चेंज। तो अभी लुक चेंज हो गया है, ये दाढ़ी भी हट जाएगी अगले हफ्ते बस। हाँ वैसे ही सेम स्टाइल है सलमान भाई का, और वैसा ही बनाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। कहीं भी अगर मुझे कोई कह रहा है कि यार आप में सलमान भाई के ग्लिम्स आ रहे हैं एंड कुछ ऐसा लग रहा है कि आप जैसे भाई हैं उनके या कुछ वो आ रहा है, तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मत ही मानता हूँ, बिकॉज दुनिया के सबसे खूबसूरत सबसे हसीन आदमी से अगर आपको मिलाया जाता है तो संतोष शुक्ला इज़ गोना टेक इट एज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। हाँ किक का ट्रेलर देखा मैंने, और किक का ट्रेलर मैं देख रहा हूँ और अब तक मेरे ख्याल से 98 टाइम्स देख चुका हूँ। जी हाँ, और ये लाइन जो वो सलमान भाई ने बोली है वो मेरे ऊपर बड़ी सूट होती है कि मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। जुम्मे की रात मुलाकात होगी सलमान खान के साथ किक, तो वो एक शानदार है, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की बेस्ट विशेज़ हैं, जितने भी लोग हैं सबकी बेस्ट विशेज़ हैं, किक इज गोना ब्लास्ट। अच्छा यूट्यूब पे आज देख लूँगा रात में दो बार, और आपको अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ कि मैंने देख लिया और अभी 100 टाइम्स हो गया है, और शानदार है मेरे ख्याल से जो जिस किस्म का रिस्पॉन्स आया है किक के ट्रेलर का, जो आउटस्टैंडिंग। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी ने भी जो है बहुत ट्विटर पे तारीफ करी है और बहुत बधाइयाँ दी हैं साजिद नाडिया वालों को। इनफैक्ट अभी कुछ एक 5 दिन पहले मैं साजिद भाई के साथ था, वी वर पार्टिंग टुगेदर, रणदीप हुडा भी थे और बड़ा मज़ा आया था, एंड साजिद भाई का सिर्फ ये कहना है कि संतोष ये जो फिल्म है किक, ये जो अप्रिसिएशन मिल रहा है किक को, ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बनाई किक, 5 महीने में किक नहीं बनती, मुझे लगता है कि इसमें ऊपर वाले का हाथ है। सलमान खान इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड, वो भगवान के बच्चे हैं,
उनके ऊपर कुछ एक अलग सा जो है आशीर्वाद है भगवान का, महादेव का, अल्लाह ताला का। तो मेरी बहुत दुआएं मेरे बड़े भाई सलमान भाई की टीम जो है वो बॉक्स ऑफिस में बाकी सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ और इंशाल्लाह तोड़ेगी जी। थैंक यू।